नमस्कार, मैं संदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। सिकंदरा राव में एसडीएम और एसीएमओ ने अवैध रूप से चल रहे क्लिनिकों को किया सील, झोला छापों में मचा हड़कंप। आपको बता दें कि आज उप जिलाधिकारी सिकंदरा राव राजेश कुमार एवं अपर चिकित्सा अधिकारी बिजेंद्र सिंह और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी रजनीश यादव ने अपनी टीम के साथ अवैध रूप से चल रहे क्लिनिकों पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें कहीं एक्सपायरी दवा मिली तो कहीं ऑपरेशन थिएटर भी तैयार मिले। एक्सरे मशीन नर्सिंग होम में लगा रखी थी, आयुर्वेद की जगह एलोपैथी पद्धति इलाज करते मिले डॉक्टरों के द्वारा उचित दस्तावेज न दिखा पाने के कारण नोटिस जारी और सील करने की कार्रवाई की गई है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी रजनीश यादव के द्वारा बताया गया कि स्वामी क्लिनिक एवं डॉक्टर विजय प्रकाश गुप्ता क्लिनिक में डॉक्टरों के द्वारा आयुर्वेद पद्धति की जगह एलोपैथी पद्धति से इलाज किया जा रहा था, जबकि उनका रजिस्ट्रेशन आयुर्वेद में है। उचित दस्तावेज न दिखा पाने कारण नोटिस जारी कर सील करने की कार्रवाई की गई है। वहीं दीप्ति हॉस्पिटल एवं रचित अल्ट्रासाउंड में छापामार कार्रवाई करने पर सभी कागज सही पाए गए तथा सभी डॉक्टर समय पर मौजूद पाए गए। तो मित्रों, देश और दुनिया के साथ साथ अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए आप देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस। जय हिंद।